नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 16 सितंबर साथियों, इस वीडियो में शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है, सरकारी नौकरी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, 14 सितंबर से आवेदन शुरू, रेलवे में स्टेशन मास्टर टीसी समेत 11,558 पदों पर नियुक्ति, लास्ट डेट इसके लिए 13 अक्टूबर। यहाँ पर अपडेट, शिक्षा स्वायत्त शासन राजस्व सहित अन्य विभागों में लगातार पद खाली होने के बाद भी नई भर्तियों की घोषणा अटकी, भर्तियों का खुले लॉकडाउन तो प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार को मिले राहत है। शिक्षा मंत्री की नई घोषणा से बेरोजगारों में जगी आस है। प्रदेश में नई सरकार की ओर से लगातार भर्तियों की घोषणा की जा रही है, लेकिन बड़ी भर्तियों का लॉकडाउन नहीं खुलने से बेरोजगारों की नौकरी जो है आस अटकी हुई है। प्रदेश के बेरोजगारों की सबसे ज्यादा शिक्षा स्वायत्त शासन राजस्व है, चिकित्सा सार्वजनिक निर्माण विद्युत निगम सहित अन्य विभागों की भर्तियों का इंतजार है। या आप देख सकते हैं भर्तियों का जो रोड मैप है उसको लेकर के अपडेट। अगली खबरों में यहां पर राजकीय कॉलेजों में यूजी और पीजी फाइनल की फीस 10 अक्टूबर तक हो सकेगी जमा। बीकानेर कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की तिथियों में संशोधन जारी किया गया है। स्नातक पाठ द्वितीय सेमेस्टर तृतीय तथा पीजी फाइनल के ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण अब 10 अक्टूबर तक होंगे। स्नातक पाठ द्वितीय सेमेस्टर तृतीय, स्नातक पाठ तृतीय तथा पीजी फाइनल की फीस ई मित्र पर 10 अक्टूबर तक अभ्यर्थी जमा करवा सकते हैं। आयुक्तालय ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कॉलेजों में यूजी पार्ट द्वितीय सेमेस्टर थर्ड, स्नातक पार्ट तृतीय तथा पीजी फाइनल में पूरी तरह अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगले अपडेट, राज्य में खुलेंगे 20 नए आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार, भजन लाल। हरियाणा गोड ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित, जयपुर पत्रिका। अपडेट, 5 वर्ष में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, साथ ही कौशल विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में लगभग 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। और राज्य में 20 नए आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। स्थित यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्सी में स्थित बेनाड़ा धाम में रविवार को अखिल भारतीय हरियाणा गोड ब्राह्मण महासभा जयपुर की ओर से आयोजित सम्मान समारोह मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने यह बात कही और समारोह में समाज की प्रतिभा और मेधावियों को भी सम्मानित किया गया। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है, अविश्वास शक्ति या नवाचार है इसकी वजह, कानूनी स्तर पर राय लेने पर मंथन लगातार घटते, अभ्यर्थियों से आरपीएससी चिंतन में, अभ्यर्थियों से कारण पूछने की तलाशी जा रही है रहा है। आरपीएससी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की लगातार कम संख्या से आयोग चिंतन मुद्रा में आए, अभ्यर्थियों की कम संख्या कारण आयोग की ओर से किए गए नवाचार है या परीक्षाओं को लेकर अविश्वास, इसे लेकर भी चिंतन मनन किया जा रहा है। और ऐसा तब है जब आरपीएससी को भंग करने की मांग पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उठा चुके हैं। आयोग के कार्मिकों की माने तो आयोग अब विधि स्तर पर यह रहा तलाशने में लगा कि परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों से कारण पूछा जा सकता है या नहीं। आयोग कार्मिकों के मुताबिक लगातार अभ्यर्थियों की तादाद हर परीक्षा में कम हो रही है और कुछ विषयों की परीक्षाओं में उपस्थिति 12 से 13% तक ही रही है। इसी में आयोग का खर्चा भी हो रहा और वजह भी सामने नहीं आ रहे कि किस कारण तादाद कम हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सहायक आचार्य सामान्य संस्कृत के पेपर मैच 21.08% उपस्थिति, और यह रही सेंटरों पर उपस्थिति भी आप देख सकते हैं, सेंटर परीक्षा दी गैर हाजिर और कुल। इसके बाद में अगली खबरें, आज के इतिहास में 16 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं, और शिक्षा निदेशालय ने सभी की सूचना मांगी, 50,000 आदि की 30 ग्राम पंचायतों में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं, जोधपुर। देश को आजाद हुए 77 वर्ष बीत चुके लेकिन फिर भी मौजूदा पुरानी सरकारी गांवों में मूलभूत सुविधाएं लोगों को पूरी नहीं दे पाई। जोधपुर जिले के 30 ग्राम पंचायतों में एक भी हिंदी मीडियम का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्तर का स्कूल संचालन नहीं है, जबकि यहाँ 50,000 की आबादी इन्हीं ग्राम पंचायतों में बसती है। यहाँ की पढ़ने के इच्छुक बच्चों को दूसरे गाँव में जाकर शिक्षा लेनी पड़ती है और समाना की अधिक दूरी के कारण कई अभिभावकों ने अपने बच्चों की शिक्षा भी छुड़ाई होगी। ये आप देख सकते हैं 5,000 से 7,000 तक के गांव में स्कूल नहीं, दूसरे गांव जाने को मजबूर बच्चे।
अगली खबरें, कॉलेज चलाने से पहले स्कूल की छुट्टी का रहता इंतजार, अस्थायी जर्जर भवनों में संचालित हो रहे सरकारी महाविद्यालय नहीं मिल रही क्वालिटी एजुकेशन, धर्मशाला व स्कूलों में चल रहे हैं कोटा संभाग के 8 कॉलेज। और अगले खबरों में, सीटी और लेखाकार भर्ती के दस्तावेज सत्यापन एक ही दिन, तिथि बदलने की मांग, कोष और लेखा निदेशालय ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के दस्तावेज सत्यापन शेड्यूल जारी किया है और इस शेड्यूल से कई अभ्यर्थियों सामने संकट खड़ा हो गया। शेड्यूल के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे और ऐसे में 27 सितंबर को भी 2 पारी में दस्तावेज सत्यापन होंगे और इसी दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की तिथि घोषित कर दी और यह परीक्षा 27 व 28 सितंबर को होगी। अब ऐसे अभ्यर्थियों सामने संकट खड़ा हो गया जिनके दस्तावेज सत्यापन 27 को होने और इसी दिन सीटी की परीक्षा भी देनी है, ऐसे में उनके सामने दोनों में से एक से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और अगली खबरों में, कांस्टेबल भर्ती 23, दक्षता परीक्षा 23 से आज से प्रमाण पत्र ऑनलाइन, पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती 23 की 23 से 25 सितंबर तक होने वाली दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र सोमवार से ऑनलाइन हो जाएंगे और भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी सचिन मित्तल ने बताया कि 35 और 78 पदों के लिए हुई सीबीटी में सफल कांस्टेबल के अतिरिक्त अन्य आयोगों की दक्षता परीक्षा 23 से रेंज मुख्यालय पर होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट या एसएसओ आईडी से लॉग इन कर डाउनलोड कर सकते हैं। प्री बीपीएड प्री एमपीएड परीक्षा का परिणाम कल, मेरिट से काउंसलिंग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से 8 सितंबर को हुई प्री बीपीएड और प्री एमपीएड परीक्षा परिणाम 17 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा और नोडल एजेंसी की ओर से आंसर की प्राय पत्रों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया गया है। समन्वय डॉक्टर कपिल गौतम ने बताया कि 2 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और निर्धारित सीटों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। अगली खबरें, आरबीएसई परीक्षा आवेदन कल तक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर तक सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ कर सकेंगे। और सुकड़िया विश्वविद्यालय डिजी लॉकर में रहेंगे सभी डिग्री डिप्लोमा, यूजी पीजी के सभी स्टूडेंट के लिए एबीसी आईडी अनिवार्य, उदयपुर। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 24 जिला स्तरीय कार्यक्रम कल, जवाहर रंगमंच में 139 नव नियुक्त युवा होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 24 के अंतर्गत जवाहर मंगलवार को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में 139 नव नियुक्त युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की सहायक नोडल अधिकारी और सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया है। और किनको दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, शिक्षा विभाग के 55, वन विभाग के 26, पशुपालन विभाग के 25, स्वायत्त शासन विभाग के 4, कारागार विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2-2, इनको जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अगस्त में उदयपुर ने किए 1,22,760 रुपए दान, प्रदेश में 28वां स्थान, भामाशाह शिक्षा विभाग ने जारी की रैंक, प्रदेश भर से 1 करोड़ मिले। तो साथियों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।